गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एट योर होम. लेट्स टॉक अबाउट योर टुडेज होमवर्क. कल हमने आपका जो सेकंड चैप्टर है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई, वो कंप्लीट हो गया था. आज हम करेंगे आपकी फर्स्ट पोएम, क्योंकि दो चैप्टर हो गए हैं तो एक पोएम भी हमें करनी चाहिए. फर्स्ट पोएम है ए फोटोग्राफ रिटन बाय सरले टॉल्सन. ये पोएटेस है भाई, ध्यान रखना, पोएटेस है, कवियत्री है. देखिए, पोएम हो या चैप्टर हो, पहले अगर उसके वर्ड मीनिंग हमें याद हो जाते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन, उनकी जो थीम है उसको समझना आसान हो जाता है. सो पहले आज हम इसके जो वर्ड मीनिंग है वो लर्न करेंगे और राइट करेंगे. कजन्स, चचेरी, बहनें. अपीयर्स, प्रतीत होना. स्नैपशॉट, फोटो. बीच, तट. नथिंग, कुछ नहीं. साइलेंस, खामोशी. द कार्डबोर्ड, फोटो या गत्ता. ट्रांजिट, संग भंगूर. लेवल्ड, मेहनत से किया गया. पैडलिंग, नाव चलाना. सरकम सेंटेंसेस, परिस्थितियां. बैटी डॉली, ये नाम है इसमें चैप्टर के अंदर, इस पोएम के अंदर ये नाम है. तो यही इसके जो टिपिकल वर्ड मीनिंग मैंने चेक किए वो यही हैं जो आपको लर्न और राइट करने हैं. ठीक है, ये आपकी पोएम हो गई फोटोग्राफ. ये वर्ड मीनिंग है ज़्यादा. स्नैपशॉट, फ़ोटो. देखिए, कार्डबोर्ड गत्ता भी होता है और हम इसे फ़ोटो भी, इसमें क्योंकि फ़ोटो पर लगा हुआ, फ़ोटो खींच लगा हुआ कार्डबोर्ड है, इसलिए इसको कार्डबोर्ड हमने फ़ोटो और गत्ता दोनों ही लिख दिए. गत्ता भी होता है और फ़ोटो के लिए प्रयोग भी किया गया इस पोएम में. ठीक है, ये बहुत ईजी पोएम है. पोएटेस छोटी है, इसमें 3 स्टेंजा है जिसमें हम इस कल डिस्कस करेंगे. आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग की बात हुई थी जो हमने कर ली है. ओके डियर, थैंक यू. स्टे होम, स्टे लाइज, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.